चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इतना जुगाड़ ही नहीं लगा भाई जो गर्पण वाले, फिर एक किस्त आक है, दोबारा किस्त नहीं आई, दूसरा साल लगा। प्रॉब्लम है लेटरिन बाथरूम की, उठने बैठने की, बारिश बूंद में पन्नी ताड़नी पड़ती है बाहर को, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं देखो, हम सरकार को वोट देते हैं, तेरे सरकार हमें कुछ नहीं मानती, फिर हम धरना देंगे, सरकार फिर अपना इंतजाम करेगी उसका। घर क्यों नहीं बनवा सके, क्या क्या दिक्कत हुई आपको? बस ये रीजन, अपना परिवार की इतना बजट नहीं है तो अपना घर बनवा सके, ये प्रॉब्लम ने अप्लाई करा था प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हमारी सेकंड किस्त आई और दूसरी से किस्त नहीं आई, लगभग साल प्लस हो गया। हमें बहुत प्रॉब्लम है, मोहल्ले में ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का फॉर्म कब भरा था? लगभग 2017 में भरा था, अप्लाई करा था, और हमारी किस्त 2021 में आई है, फर्स्ट किस्त के बाद कोई हमें लाभ नहीं मिला है। आपकी किस्त रुक रही है तो आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है उससे? बस बहुत प्रॉब्लम है लेटरिन बाथरूम की, उठने बैठने की, बारिश बूंद में पन्नी ताड़नी पड़ती है बाहर को, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी समस्या बनी है। मेरी घरवाली बल्कि अपने मायके चले जाती है इसी की वजह से कि भाई कहाँ पे कमरा कहीं नहीं है, अपना चले जाती है। क्या काम करते हो आप जी? अजी मैं मजदूरी कर रहे हैं, करते क्या? तो आप कच्चे घरों में कब से रह रहे हो? अजी हम तो पूरी जिंदगी से रहे हैं, बाप दादा उतर रहे थे हमें। अच्छा जी, मतलब पैदाइशी? हाँ। तो कभी आपने घर बनवाने की कोशिश करी हो तो क्या हो? इतना जुगाड़ ही नहीं लगा भाई जो घर बनवा ले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका घर बन रहा है, ये आपको कब पता चला और कैसे? जी हम फार्म भरते रहे, इसके 5-6 फेरे फार्म भरे जी, 5वें 6ठी फेरे में आए ये। अच्छा हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर एक किस्त आक है, दोबारा किस्त नहीं आई, दूसरा साल लगा। मैं सिलाई काम करता हूँ। आपकी एक दिन की कमाई कितनी होती है? 200-250 रुपये। किसी अधिकारी के पास भी गई हो? मैं कई मरतबा गया, शामली बनत भी गया, कोई कहता है कि भाई आ जाएगी, कई मरतबा गया, कोई लाभ कह रहा कि आ जाएगी, चलो मैं भाई आ जाएगी। तो उनका रवैया कैसा रहता है आपकी प्रति? भाई ये रहता है कि भाई इंतजार जी आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी, सब का आ जाएगी, तुम चिंता बना रहो। मैं सर कहता हूँ कि बहुत समय हो के ना आ जाएगी, तुम दिक्कत ना लो। तो जब आप वहाँ से लौटते हो तो कैसा मन करता है? बस बहुत निराशाजनक होता है दिमाग, भाई बता हम यहाँ पे आगे पैसा भी खर्च हो, तेल भी लगते हैं, कोई फायदा नहीं मिलता। तो एक फिर वहाँ जाने में कितना खर्च हो जाता है? लगभग 200-250 रुपये लगते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपकी किस्त आगे आने वाले समय में किस्त नहीं आते तो आप क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो? मैं देखो, हम सरकार को वोट देते हैं, तेरे सरकार हमें कुछ नहीं मानती, फिर हम धरना देंगे, सरकार फिर अपना इंतजाम करेगी उसका, प्रदर्शन करेंगे इसका। एक किस्त आ गई तो उसमें तो कोई दिक्कत रही नहीं? ना, क्या उसमें तो दिक्कत कुछ नहीं है, पैसे गिरवाती उन्होंने किस्त में, और जहाँ मारता पता दे दिया तारीख आ गई, अपने मकान की नींद ना भर लो, हमने भी पैसे कटवा के नींद ना भर ली। जैसा बारिश आती है तो आप किस तरीके से रहते हो? वो बस
बस हम तो दिक्कत में ही है। बारिश सारा चुहा है, गिर जा, बिस्तर पड़ा है सारा।